तो गाइस ये हमारा आईपीडी सेटअप, यहाँ पर एक कांच जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके जस्ट नीचे में अगर हम चले तो गाइस इसके जस्ट नीचे में एक मैट जैसी आपको बिछी हुई नज़र आएगी। इस मैट में गाइस अलग अलग डिस्टेंस के फुट स्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट वाला जो है वो है 130 सेंटीमीटर का, उसके बाद फर्स्ट वाला जो है वो है 60 सेंटीमीटर का। तो ये अलग अलग फुट स्टेप क्यों है गाइस? क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे कस्टमर को खड़ा करके देखा जाता है कि कितनी दूरी से उसका जो है फेस को पूरी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है तो वो कितनी अच्छी दूरी से कितना उसको डिटेक्ट कर सकता है, कितनी दूरी से उसको प्रोग्रेसिव लेंस अच्छे से सूट होगा। और जो ये शीशा जैसा दिख रहा है गाइस, ये इसलिए नहीं है कि आप फेस वेस देखने के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर हम पास में आते हैं तो गाइस यहाँ पर पास में यहाँ पर देखिए एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है जो कि हमारे फेस की साइज़, हमारे फ्रेम की साइज़ सब कुछ यहाँ पर डिटेक्ट करके और एक एक फाइल बना करके इसमें सेव कर लेता है। और यहाँ पर एक डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं आ रही है। नीचे देखिए गाइस तो यहाँ पर दिखेगा हमारा कीबोर्ड और माउस, और इनको हटा करके देखें तो गाइस यहाँ पर नीचे में एक बुक आपको नज़र आने वाली है। ये देखिए गाइस ये बुक है, इसमें लेसिलोर के जितने भी प्रोग्रेसिव लेंसेज आते हैं A to Z उन सब की डिटेल यहाँ पर हैं। कौन सा प्रोग्रेसिव, कितना का प्राइस है, क्या क्या उसमें फ़ीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है देखने को मिली है। तो इसके ज़रिए हम कस्टमर को बताते हैं कि आपको कौन सा जो है लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो जब गाइस सारा डाटा हमारे फेस का साइज़, फ्रेम वगैरह सब कुछ, ग्लासेस का साइज़ सब कुछ यहाँ से डिटेल कर लिया जाता है तो वो एक फाइल बन करके इसमें सेव हो जाता है। फिर हम उसे मेल करते हैं डायरेक्टली एसिलोर को, और एसिलोर वहाँ से उसी हिसाब से उसी डिज़ाइन उसी के हिसाब से एक लेंस डिज़ाइन करके लिए हमें भेजता है, और फिर वो लेंस जो है हम कस्टमर के फ्रेम में लगा देते हैं। और ये चीज़ देखे गाइस तो ये चीज़ है फ्रेम में जब मार्किंग की जाती है तो फ्रेम में मार्किंग करने के लिए गाइज ये चीज़ें इस चीज़ से पूरा फ्रेम का डिस्टेंस जो हमने डाटा लिया है उस हिसाब से मार्किंग करते हैं। तो गाइज ये था हमारा IPD सेटअप, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये हमने काफ़ी पहले लिया था, 2-3 साल पहले, और इसकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।